Hello friends, welcome to the official YouTube channel of MV Jobs Official. Myself is Mrinal Dev and I am going to teach you reasoning classes. So friends, पिछले तीन क्लासेस में जैसा कि आपने देखा कि एनालॉजी के बेसिस बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो आज से हम लोग उसके एक्सरसाइजेस के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़पेपर प्रेस क्लॉथ क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये कि इसका रिलेशन इससे बना है, तो इसका रिलेशन किससे बनेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं न्यूज़पेपर प्रेस में बनता है। इसका आप लोग रिलेशन समझने की कोशिश कीजिएगा कि न्यूज़पेपर जो है वो प्रेस में बनता है, प्रेस से रिलीज होता है, इसका ये रिलेशन है। न्यूज़पेपर और प्रेस का रिलेशन है कि प्रेस से वो न्यूज़पेपर रिलीज होता है। तो क्लोथ का रिलेशन इनमें से किस पे बनेगा, टेक्सटाइल पे, फाइबर पे, फैक्ट्री पे या मिल पे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका रिलेशन किससे क्यों बनेगा और किससे क्यों नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने कहा कि न्यूज़पेपर प्रेस से रिलीज़ होता है, मतलब कि वहाँ से बन के निकलता है। तो फ्रेंड्स, टेक्सटाइल क्लोथ रिलेशन क्या बन रहा है। टेक्सटाइल तो एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे कपड़े बनते नहीं हैं, उसके उसके ऊपर काम किए जाते हैं, तो टेक्सटाइल नहीं होगा। फाइबर, फाइबर जो वो क्लॉथ का रॉ मटेरियल है, इसीलिए फाइबर भी नहीं होगा। फैक्ट्री, फैक्ट्री में सही बात है कि कपड़े बनते हैं, वो एक बनाने की जगह है, तो वो भी नहीं हो सकता है। कपड़े जहाँ पे बनते हैं उस जगह को मिल कहा जाता है। जैसे कि न्यूज़पेपर के लिए एक प्रेस एक स्पेसिफाइड जगह है, वैसे कपड़े के लिए मिल जगह है। तो फ्रेंड्स, इसका असली आंसर मैंने सही आंसर डी मिल होना चाहिए और मिल होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन में है डॉक्टर नर्स फॉलोवर क्वेश्चन है। इसका मतलब कि डॉक्टर का रिलेशन नर्स से बना है, फॉलोवर का रिलेशन किससे बनेगा। डॉक्टर और नर्स दोनों एक जगह काम करते हैं, उन लोग का रिलेशन सेम वर्किंग प्लेस हुआ। फॉलोवर्स का रिलेशन इनमें से किस पे बनेगा, ठीक है। इसके बाद फॉलोवर्स का रिलेशन किससे बनता है, एम्प्लॉय से, वर्कर से, लीडर से या मैनेजर से। फॉलोवर्स किसके होते हैं, जो कोई महान व्यक्ति हो जैसे कि महात्मा गांधी, तो उनके भी फॉलोअर्स काफ़ी थे, तो वो खुद भी एक लीडर थे। तो लीडर को हम लोग पहले देखते हैं कि लीडर हो सकता है कि नहीं। लीडर इसलिए हो सकता है क्योंकि लीडर्स बिना फॉलोअर्स के लीडर किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास कोई फॉलोअर्स नहीं है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं, इसलिए इसका लीडर जो है वो सही आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों आंसर का, ये तीनों जो ऑप्शन हैं वो क्यों नहीं होंगे। क्योंकि एम्प्लॉई जो है वो अपना काम करता है, किसी के अंडर काम करता है, उसको सैलरी मिलता है, वो किसी को फॉलो नहीं करता है। सेम वर्कर भी सैलरी भी मिलता है उसको, वो अपना वर्क करेगा सैलरी पाएगा, उसको भी किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। मैनेजर, मैनेजर भी अपने अंडर सबको काम देता है, वो कोई नीड कोई लीडर नहीं है या कोई उसका फॉलोअर नहीं होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, वो भी सैलरी देता लेता है। तो फ्रेंड्स, अब लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर लीडर है, इसको हटा देते हैं। इसका सही आंसर लीडर हुआ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन देखा, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है मून सैटेलाइट अर्थ क्वेश्चन मार्क, मून का रिलेशन सन से बना है, तो अर्थ का रिलेशन किससे बनेगा। मून जो है वो एक सैटेलाइट है, मून सैटेलाइट है, मून किसके चक्कर काटता है, अर्थ का। अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, अर्थ एक प्लैनेट, ठीक। मून सैटेलाइट है, मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, इसलिए वो एक सैटेलाइट है। मून का रिलेशन सैटेलाइट, अर्थ का क्या बनेगा, अर्थ का प्लैनेट। तो अब हम लोग देखते हैं कि
इसका ये तीनों आंसर क्यों नहीं होगा। अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक अंश है, मतलब सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स में से एक अर्थ है, तो सोलर सिस्टम नहीं होगा। एस्ट्रॉयड क्यों नहीं होगा? एस्ट्रॉयड क्योंकि अंतरिक्ष में जो पत्थर होते हैं वो सब एस्ट्रॉयड कहलाते हैं। उसमें वो सिर्फ एक पत्थर होता है, वो कोई प्लैनेट नहीं होता, उसमें कोई जीव जंतु या फिर कोई जीवन नहीं होता, इसलिए वो एस्ट्रॉयड नहीं होगा। सन, सोलर सिस्टम जो है वो सन, उसका मिड पॉइंट सन है, सन कोई प्लैनेट नहीं है, इसलिए सन नहीं होगा। इसका अर्थ का सही आंसर प्लैनेट। अब हम लोग अगला देखते हैं, कैटल हर्ड शेप क्वेश्चन मार्क। कैटल हर्ड, इसका रिलेशन इससे ये बना है, कैटल जो है वो हर्ड, मतलब कि बिल्लियों का झुंड जिसको हम लोग हर्ड कहते हैं, तो शेप का रिलेशन किससे बनेगा? कैटल का हर्ड से इसलिए ये रिलेशन बन रहा है कि बिल्लियों का झुंड उसको हर्ड के नाम से जाना जाता है, तो शेप मतलब भेड़ों के झुंड को किस नाम से जाना जाएगा, इसका रिलेशन इससे ये बनता है। सबसे पहला देखते हैं शोल। शोल का मतलब छिछला होना, इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये नहीं होगा। अगला है क्राउड। क्राउड मतलब इंसानों का झुंड। इंसानों का झुंड यहाँ पे पूछा है भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसानों का झुंड, तो ये नहीं होगा। स्वॉर्म का मतलब सिर्फ झुंड, ये किसका झुंड है ये नहीं कह रहा है, तो ये स्वॉर्म भी नहीं होगा। फ्लॉक मतलब भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड यहाँ पे पूछा रहा कि भेड़ों कैटल मतलब बिल्लियों के झुंड को हर्ड कहा जाता है, तो भेड़ों के झुंड को क्या कहा जाएगा, तो भेड़ों के झुंड को फ्लॉक कहा जाएगा, तो इसका सही आंसर फ्लॉक डी। फ्रेंड्स अब हम लोग दूसरा देखते हैं, मुस्लिम मॉस्क सिख क्वेश्चन मार्क। मुस्लिम का रिलेशन मॉस्क से कैसे बना है? मॉस्क का मतलब मस्जिद। मुस्लिमों की वर्शिप प्लेस मॉस्क है, जिसको मस्जिद कहा जाता है, तो सिख्स का वर्शिप प्लेस क्या होना चाहिए? सबसे पहले देखते हैं चर्च। चर्च जो है वो ईसाइयों का पूजा करने का स्थल है, तो चर्च नहीं होगा। मदीना एक मस्जिद है, जिसका नाम मदीना है, मक्का मदीना जिसको हम लोग कहते हैं वही है मदीना। मदीना जो है वो मुस्लिम्स का वर्शिप प्लेस है, तो ये नहीं होगा। अगला है गोल्डन टेंपल। गोल्डन टेंपल एक गुरुद्वारा है, लेकिन वो गुरुद्वारे का नाम है गोल्डन टेंपल, और इसमें है नीचे गुरुद्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ है मुस्लिम का वर्शिप प्लेस कौन सा है, मॉस्क। सिक्स का वर्शिप प्लेस क्या होना चाहिए, गुरुद्वारा, इसका आंसर गुरुद्वारा होगा डी। आप लोग में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि गोल्डन टेंपल भी तो गुरुद्वारा है, लेकिन गोल्डन टेंपल क्यों नहीं होना चाहिए? गोल्डन टेंपल इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक गुरुद्वारे का नाम है, गुरुद्वारा तो है लेकिन गुरुद्वारे का एक नाम है गोल्डन टेंपल, वो नाम को दर्शा रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता मक्का या मदीना तो ये गोल्डन टेंपल यहाँ पे सही होता, लेकिन यहाँ पे मॉस्क लिखा हुआ है मतलब वर्शिप प्लेस, तो वर्शिप प्लेस के अकॉर्डिंग गुरुद्वारा यहाँ पे सही होना चाहिए, इसका आंसर है गुरुद्वारा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है आई मायोपिया डेथ व्हाट। आई का रिलेशन मायोपिया से कैसे बना, क्या बना? जो आई है वो एक ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, और मायोपिया जो है वो एक डिजीज़ है, मतलब कि आँखों का डिजीज़ मायोपिया, मतलब कि इसका रिलेशन इससे एक डिजीज़ का बना। तित का रिलेशन किससे, इससे क्या बनना चाहिए, कोई डिजीज़ बनना चाहिए, तित का डिजीज़,
सबसे पहले देखते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का हिंदी मतलब मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद आप लोग जानते हैं कि आंखों में होता है, तो ये चीज कैटरेक्ट भी नहीं होगा। ट्रकोमा, ट्रकोमा का मतलब अंधापन। अंधापन ये भी आंखों से रिलेटेड है, दांत से नहीं, इसलिए ट्रकोमा भी नहीं होगा। अगला है एग्जाइमा। एग्जाइमा जो है वो स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज। स्किन डिजीज, तो स्किन डिजीज दांतों से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ये है पायरिया। पायरिया मतलब कि दांतों में या मसूड़ों में पीप भर जाना, उसको पायरिया कहते हैं। पायरिया जो है वो दांतों से रिलेटेड है, तित से, तो इसका सही आंसर पायरिया होगा, डी। पायरिया। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चंस देखे। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लीज़ आप लोग अपना वैल्यूएबल कमेंट्स फीडबैक में देते रहिएगा कमेंट्स में। उसके बाद तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में हम लोग आगे की एक्सरसाइजेस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।